हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपको मेरे इस चैनल में। फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ आंवले का रेसिपी। तो आंवला सबको पता है कितना फ़ायदेमंद है, आँख की रोशनी के लिए भी अच्छा है और बालों के लिए भी सही है। आजकल बच्चे बहुत मोबाइल वगैरह भी देखते हैं, तो उन लोग के लिए भी सही है। तो इस तरह से आप मेरे तरफ से बनाएंगे तो बहुत ही आराम से बच्चे खा लेते हैं। मेरे बच्चे तो चट कर जाते हैं, मांग मांग कर खाते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे आंवला की रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आंवला को धो करके इसे बॉयल करने के लिए बैठा दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बॉयल हो गया, तब इसके बीज हम निकाल लेंगे और बीज निकाल कर हम इसे मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार रेसिपी बनने वाला है फ्रेंड। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और आगे भी लोगों के पास शेयर करना। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बड़े यूट्यूबर का ही वीडियो देखते हैं, उनको लगता है कि उन्हीं लोग का वीडियो अच्छा रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। छोटे यूट्यूबर भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो ये गलत फहमी है लोगों को, व्यू देखकर ज़्यादा लोग जाते हैं व्यू वाले पे ही वीडियो पे, लेकिन हम लोग भी अच्छे वीडियो बनाते हैं। एक बार आप देख कर बना कर ट्राई करें, अच्छा ना बने तो यहाँ पर देखिए, मैं 200 ग्राम आंवला ले ली थी, तो यहाँ पर 300 ग्राम में चीनी ले ली हूँ। तो यहाँ पर पैन गर्म नहीं की हूँ मैं, पैन जैसे बैठाई हूँ, साथ में मैं आंवला जो बना कर रखी थी मैश कर उसे डाल दी, और साथ के साथ में यहाँ पर मैं चीनी भी डाल दी। तो आपको जितना आंवला लिए हैं उससे डबल चीनी होना चाहिए। तो मैं डबल से थोड़ा कम ली हूँ, मतलब 200 ग्राम आंवला था तो 300 ग्राम मैं यहाँ पर चीनी ली हूँ। तो थोड़ा कड़वाहट होती है आंवला, तो चीनी इसमें ज़्यादा लग जाती है। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं तो अच्छा लगेगा। एक बार बना कर आप देखें कितना अच्छा बनता है। और बच्चे तो इतना मस्त से खाते हैं, मांग मांग कर खाते हैं। लंच बॉक्स में मैं कभी कभी डाल देती हूँ। तो इस तरह से देखिए, चलाते हुए इस तरह से सुखा लेना है सारा। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर चट चट सा हो गया है और यहाँ पर बर्तन पकड़ने लगा था। तो यहाँ पर देखिए, मैं निकाल ली हूँ एक बाउल में। तो आप चाहें तो इस तरह से रोटी में भी दे सकते हैं उनको जैम लगा कर। ये जैम एक लेकर तैयार हो गया है, जैम बोले या हलवा बोले। तो इस तरह से तैयार हो गया हमारा। तो आप इस तरह से उनको दे सकते हैं रोटी में भी लगा कर। नहीं तो आपको एक और रेसिपी मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, 2 घंटा हो गया हमारा बनाया हुआ है, जो जैम बनाई थी वो तो अच्छी तरह से जम गई है। तब इसको हम एक लड्डू का शेप देंगे। तो हम लड्डू बनाने वाले हैं इसका। तो मैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा ले ली हूँ और हाथ में थोड़ा सा मैं घी लगा ली हूँ ताकि हाथ में चिपके नहीं, नहीं तो हाथ में चिपकता है बहुत। तो इस तरह से देखिए, मैं बिल्कुल टॉफ़ी की तरह बना लूँगी। तो इस तरह से मैं सारा नारियल में लगा लूँगी, नारियल का बुरादा में, और बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। आप बड़े बच्चे सबको ये लड्डू खा सकते हैं। और आजकल बच्चे बहुत मोबाइल भी देखते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उनकी आँख की रोशनी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और लोगों के बाल के लिए भी सही होती है। तो आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप सबको पता ही होगा कितने सारे विटामिन होती है आंवला में। तो इस तरह से देखिए, हमारा ये लड्डू बनकर तैयार हो गया आंवला का। आप इसे लड्डू चाहे टॉफ़ी जो भी बोले, बच्चे बहुत ही खाएंगे मांग मांग कर। तो बच्चे बहुत मन से खाते हैं। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा फ्रेंड? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और लोगों के साथ शेयर करना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।